स्काई भारत न्यूज़, मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। माय भारत का समय हो चुका है यूके स्पेशल का इंतजार के उत्तराखंड की खास खबर। उत्तराखंड प्रदेश में पुलिस महकमे में लगातार ट्रांसफर का सिलसिला जारी है। हरिद्वार में एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने ताबड़तोड़ तबादले करते हुए कुल 27 दरोगा का ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया है। हरिद्वार से माय भारत पुलिस कानून ही नहीं बल्कि मोदी सरकार को बदल कर ही खत्म होगा। इसके लिए किसान 2024 तो क्या जरूरत पड़ने पर अगले 10 साल भी आंदोलन चलाने को हम तैयार हैं। राकेश टिकैत ने संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 27 सितंबर को किए जा रहे भारत बंद में किसान मजदूर और दुकानदारों से उनका समर्थन भी मांगा है। ऋषिकेश में श्यामापुर के लक्कड़ घाट क्षेत्र में 8 फीट की रोड पर भारी वाहन की आवाजाही को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया। ग्रामीणों के विरोध पर आश्रम संचालक के बाबा ने इसको बेबुनियाद बताया। वहीं लोक निर्माण विभाग ने भी लिखित पत्र जारी करते हुए रोड पर केवल हल्के वाहनों के प्रवेश होने की बात कही। इसके बावजूद भी आश्रम में हो रहे निर्माण के चलते सड़क से भारी भारी वाहन गुजर रहे हैं। ऋषिकेश से माय भारत के लिए अमित कंडियाल। हरिद्वार के रानी पर मोड़ पर बने देवभूमि अस्पताल में देर रात मरीज को एडमिट करने से मना करने पर नाराज कुछ लोगों ने अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ के साथ जमकर मारपीट की। परिजनों ने एम्बुलेंस चालक के साथ भी मारपीट की। अस्पताल के भीतर हुई मारपीट की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अस्पताल प्रशासन की ओर से बुलाई गई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। हरिद्वार से माय भारत के लिए केशव चौहान। पुलिस को चकमा देकर फरार हुए संदिग्ध पाकिस्तानी एजेंट आदिब उर्फ असद को रुटी पुलिस और खुफिया विभाग की ओर से कड़ी मशक्कत के बाद रुटी के मच्छी मोहल्ला से गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तानी एजेंट की तलाश में पुलिस सुबह से जुटी हुई थी और अलग अलग जगहों पर टीमें लगाकर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही थी। इसके बाद सूचना मिलने पर पहले से तैयार पुलिस की टीम ने आरोपी आबिद को मच्छी मोहल्ला से गिरफ्तार कर लिया है। रुड़की से माय भारत के लिए प्रिंस शर्मा की रिपोर्ट। रुड़की के लंडौरा में जैनपुर झंझेड़ी गांव के पास गाढ़ा रोना रोड पर एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतरवा कर अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस का कहना है कि तहरीर आने पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जाएगी। रुड़की के लक्सर में अकबरपुर उदगांव में बनी राइस मिल के चौकीदार की मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि लूट के इरादे से तीनों ने मिलकर चौकीदार की हत्या की थी। आरोपियों के पास से पुलिस ने लूटी हुई मोटरसाइकिल, बैटरी, गैस सिलेंडर, पंखा और मोबाइल फोन बरामद किया है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। उत्तराखंड की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करें और देखते रहें।